हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का एक नया लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे थे स्टैटिक जीके, तो कुछ दिनों से बीच में क्या है, पॉज हो गया था क्योंकि हमें कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह कुछ चेंज करनी पड़ गई थी। तो उस हिसाब से आप स्टैटिक जीके हम कर रहे थे, तो वही आपको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करवाएंगे। हम जो हमारा मंडे का लेक्चर होता है उसमें हम हरियाणा जीके करवाते हैं आपके लिए। हरियाणा जीके आपका मैंने नया लेक्चर शुरू किया है, तो वहाँ जा करके आप हरियाणा जीके देख सकते हैं। हरियाणा जीके की मैं अलग से आपको प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जाकर के वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमारा एक लेक्चर हुआ, हम अब से क्या करेंगे, यही करेंगे अब से हम कि मंडे को हम बताएंगे आपको हरियाणा जीके और थर्सडे को हम पढ़ाएंगे आपको स्टैटिक जीके, ताकि आपका जो कंटेंट है वो भी पूरा होता रहे और साथ में आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत ना का सामना ना करना पड़े। इसलिए हम आपको मंडे और थर्सडे को हम आपको करवाने वाले हैं। जो हमारा जीके का पोर्शन होगा, स्टैटिक जीके हो गया, हरियाणा जीके हो गया, वो पोर्शन आपका हम करवाने वाले हैं। तो चलिए आज का हम झारखंड के ऊपर देख लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, आपने मैप देख लिया होगा, तो आप पहले हम मैप के ऊपर देख लेते हैं कि क्या इसकी बाउंड्रीज लगती हैं, किस किस स्टेट के साथ यहाँ पे बाउंड्री लगती हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो वीडियो हमारी पहुँच सके। चलिए हमारा देख लेते हैं। इसमें पहली बात, इसमें है 24 डिस्ट्रिक्ट। जो हमारा झारखंड है इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 जिले इसमें प्रेजेंट हैं। और इसमें किस किस स्टेट की बाउंड्री लगती है सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लगती है हमारी बिहार, तो बिहार की बाउंड्री लगती है। उसके साथ हम आते हैं इधर, तो इधर ये छोटा सा पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लगता है हमारा उत्तर प्रदेश। इसके बाद नीचे आते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा। छत्तीसगढ़ के बाद जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है आपका उड़ीसा। और जो लास्ट में यहाँ पे बच गया है, ये आपका है वेस्ट बंगाल। जो हमने पिछले लेक्चर में किया था वेस्ट बंगाल, वही यहाँ पे लगता है। अभी यहाँ के इनकी डायरेक्शंस देख लेते हैं कौन सी लगती है। तो बिहार कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। उत्तर प्रदेश हमारा किस डायरेक्शन में पड़ गया, नॉर्थ वेस्ट में। छत्तीसगढ़ वेस्ट में, उड़ीसा साउथ में, और जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो हमारा पड़ गया इस डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया हमारा मैप वगैरह के बारे में। अभी यहाँ की जो कैपिटल है, झारखंड की कैपिटल कौन सी है, कैपिटल है यहाँ की रांची। तो रांची यहाँ की क्या है, कैपिटल है, जहां से क्या कौन निकल के आता है हमारे, जो हमारे एमएस धोनी जी हैं। तो एमएस धोनी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रांची से बिलोंग करते हैं। इसके नाम से आप क्या है ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं कि कौन कौन हमारे क्या है, रांची से कौन है हमारे एमएस धोनी है। तो रांची क्या है, झारखंड में है, तो झारखंड के आपको ये पता होना चाहिए कि एमएस धोनी कहाँ से है, झारखंड से है। तो इस तरह से आपको ट्रिक बना करके याद करना है। इसके साथ साथ जो हमारे एक क्या है यहाँ पे सब कैपिटल भी है। सब कैपिटल का नाम क्या है, सब कैपिटल का नाम है दुमका। तो कैपिटल के साथ साथ यहाँ पे सब कैपिटल भी प्रेजेंट है, उसका नाम है दुमका। यानी क्या है, जो एमएस धोनी हो गया करते हैं, पूरा क्या है दमका बना के रखते हैं, अपना दम बना के रखते हैं वहाँ पे जो फील्ड में। और अभी उन्होंने क्या है रिटायरमेंट ले ली है, तो वो काफ़ी न्यूज़ में भी है। तो इस तरह से आप उनको याद कर सकते हैं कि भी क्या है एमएस धोनी कहाँ है, रांची से हैं, और रांची के साथ साथ जो हमारे एमएस धोनी हैं उनका क्या है काफ़ी दम है, उनका क्या है काफ़ी दम का उनको फील्ड में आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए इससे याद कर सकते हैं, सब कैपिटल के तौर पर भी आप उसको याद कर सकते हैं। अभी यहाँ की एरिया पॉपुलेशन देख लेते हैं। पहली बात ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा झारखंड है, ये 15 नवंबर 2000 को क्या है जो मतलब एग्जिस्टेंस में आया था, 15 नवंबर को बन करके ये तैयार हुआ था। मतलब क्या है, कहाँ से तैयार हुआ था,
तो ये अलग हुआ था हमारा बिहार से, तो बिहार से अलग होकर के जो हमारा बिहार है यहाँ पे, इससे अलग होकर के हमारा जो झारखंड है, झारखंड नया स्टेट बना था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब बना था हमारा झारखंड स्टेट नया। तो ये स्टेट बना था हमारा जो 15 नवंबर 2000 सन को, ये हमारा तैयार होकर के बन करके अनाउंसमेंट हो गई थी इसकी कि अब से नया स्टेट होगा जिसका नाम क्या होगा, हमारा बिहार होगा। बिहार के साथ साथ जो होगा बिहार से अलग होकर के होगा हमारा झारखंड। तो ये होगा झारखंड के बारे में। अभी यहाँ का जो एरिया है और पॉपुलेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एरिया यहाँ का कितना है, 79710 किलोमीटर स्क्वेयर। ये यहाँ पे जीरो है, कभी इसको सिक्स समझ लो। तो क्या है, 79710 किलोमीटर स्क्वेयर का वर्ग किलोमीटर का क्या है यहाँ पे एरिया है। इसके रैंक वाइज इसकी रैंक कितनी आती है, हमारा एरिया वाइज हमारी 15th रैंक है ऑल इंडिया में जो झारखंड की। और अभी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का कंसेशन क्या आती है हमारी 2011 की जनगणना, लेटेस्ट जनगणना है उसके अकॉर्डिंग इसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इसकी पॉपुलेशन है 3,29,88,134। यहाँ की क्या है पॉपुलेशन है, और इस वाइज इसके रैंक कितनी आती है हमारी 14th आती है। तो कितनी पॉपुलेशन कितनी होगी यहाँ की, 3,29,88,134 क्या होगी यहाँ पे किलोमीटर होगी इसकी, क्या होगी किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं पॉपुलेशन होगी। तो ये तकरीबन 3,30,00,000 इसको क्या कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन पड़ती है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एरिया वाइज यहाँ के 15th रैंक है और पॉपुलेशन वाइज झारखंड की कितनी रैंक है, 14th रैंक है। अभी यहाँ पे रफ कर देता हूँ मैं और चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है हमारा, फर्स्ट सीएम और जो करंट सीएम है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा गवर्नर है, गवर्नर की पोस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन से गवर्नर शुरू में रहे हैं और कौन से गवर्नर अभी जो प्रेजेंट में करंट गवर्नर कौन हमारे चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट सीएम है बाबूलाल गणपत राव आपटे नहीं थे यहाँ के, बाबूलाल कौन थे, बाबूलाल मरांडी। तो ये क्या थे यहाँ के जो पहले सीएम थे बाबूलाल मरांडी, इनको किसके नाम से याद रख सकते हैं आप, बाबूराव कौन थे जो हेरा फेरी में थे, तो बाबूलाल हेरा फेरी के थे, बाबूराव थे वहां पे, और यहाँ पे बाबूलाल हैं, बाबूलाल मरांडी। तो ये हो गए फर्स्ट सीएम। अभी करंट सीएम कौन है यहाँ के, तो करंट सीएम यहाँ के हैं हमारे हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन कहाँ है यहाँ के जो हमारे पहले अभी सीएम करंट में चल रहे हैं, जो हमारे क्या है चीफ मिनिस्टर कहते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री। अभी यहाँ के गवर्नर देख लेते हैं, फर्स्ट गवर्नर, तो फर्स्ट गवर्नर यहाँ के कौन है, प्रभात सिंह। आपको पता है जो हमारे गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे फर्स्ट सिटीजन होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, सिटीजन किसके, जो स्टेट होता है स्टेट के फर्स्ट सिटीजन हमारे होते हैं जो हमारे गवर्नर होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो हमारा अभी मैंने पिछले बताया था पिछले पॉइंट में कि 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, ये स्टेट नया बन करके आया था, बिहार से अलग करके झारखंड बना था। तो एक नया सवेरा इसके ऊपर आया था, तो नया सवेरा क्या हुआ था स्टेट में हुआ था। तो उसको याद कर रखने के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, गवर्नर को जो प्रभात सिंह है, प्रभात का मतलब क्या होता है, प्रभात का मतलब सवेरा ही होता है। तो एक नया सवेरा हुआ था, एक नया सवेरा हुआ था जिसको जिसका जिसका नाम क्या रखा गया हमें, प्रभात से नाम उसको याद रख सकते हैं।
तो सवेरा एक नया हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इससे आपको दो चीजें याद रह जाएंगी कि सवेरा क्या है, सवेरा का जो प्रायवाची क्या होता है, प्रभात होता है, और प्रभात सिंह क्या है यहाँ के पहले गवर्नर थे, और 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, सवेरा हुआ था। तो इससे आपको ये भी पॉइंट भी आपको याद रहेगा कि कब यहाँ पे क्या हुआ था, जो झारखंड है वो बन करके हमारा नया स्टेट बना था। अभी यहाँ पे करंट स्टेट कौन है, करंट जो गवर्नर है यहाँ के, करंट गवर्नर है लेडीज है एक, जिनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू क्या है यहाँ की जो हमारी करंट गवर्नर चल रही है हमारी झारखंड स्टेट की। तो ये हो गया हमारे पहला सीएम कौन था, बाबूलाल मरांडी है। इनको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप झारखंड से ट्रिक बना सकते हैं कि बाबूराव आपटे जो हमारा क्या था हेरा फेरी में थे, उनसे आप इसको लिंक करके बाबूराव से बाबूलाल को मरंडी को याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे करंट सीएम है, करंट मुख्यमंत्री कौन है, वो कौन है, हेमंत सोरेन है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए वैसे भी, क्योंकि करंट है तो आपको काफी न्यूज में भी देखने को मिलेगा, तो वहां से भी आपको याद हो जाएगा हेमंत सोरेन। फर्स्ट गवर्नर कौन थे यहाँ के, प्रभात सिंह है, जिनको याद रख सकते हैं आप कि 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, हमारा नया स्टेट बन करके आया था, और 15 नवंबर को नया एक सवेरा हुआ था, नया प्रभात हुआ था। तो उससे याद रख सकते हैं प्रभात सिंह क्या थे, यहाँ के पहले सीएम थे। अभी करंट गवर्नर को याद रखने के लिए क्या है, द्रौपदी मुर्मू है। तो करंट चीजें आपको याद रहनी चाहिए, आपको नॉर्मल ही न्यूज में देखोगे तो वहां से याद हो जाएंगे, लेकिन जो पहले गवर्नर है, पहले सीएम है, उनको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अभी इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं फिर उसके बाद कि कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, कितनी लोकसभा में सीटें हैं, उसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ का स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो लोकसभा की सीटें यहाँ पे कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, और यहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि जो विधानसभा है, तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे हैं 6, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है यहाँ पे, 81 सीटें हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे प्रेजेंट है स्टेट में 6, और 81 प्रेजेंट कहाँ गए, विधानसभा है जो स्टेट की, राज्य की विधानसभा है वहां पे 81 सीटें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो अभी यहाँ पे जो स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री और स्टेट फ्लावर। तो स्टेट एनिमल यहाँ पे कौन सा है, स्टेट एनिमल है यहाँ पे इंडियन एलिफेंट। तो जो भारतीय हाथी है यहाँ का क्या है, यहाँ का स्टेट एनिमल है। यहाँ का स्टेट बर्ड क्या है, कोयल। कोयल सी तेरी बोली, उससे आप याद रख लीजिए कोयल क्या है यहाँ का जो स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री यहाँ का क्या है, साल। तो साल के वृक्ष क्या होते हैं आपने देखे होंगे, तो वो क्या है यहाँ का स्टेट ट्री है, और स्टेट फ्लावर है यहाँ का पलस। तो स्टेट एनिमल क्या हो गया, यहाँ का राज्य के राजकीय क्या है, पशु कौन सा है, इंडियन एलिफेंट है, भारतीय हाथी है। इसको मैं लिख देता हूँ, आपको याद नहीं है अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो, इंग्लिश नहीं आती है सॉरी। तो ये हो गया हाथी, थोड़ा सा उठपटांग बन गया है, बाकी लिख लीजिएगा इसको, ये हो गया हाथी। तो भारतीय हाथी यहाँ क्या क्या है, राजकीय जो पशु है वो है भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का, कोयल, राजकीय पेड़ क्या है यहाँ का, साल है, और जो हमारा राजकीय फूल है वो हमारा कौन सा है, पलस का फूल हमारा यहाँ पे राजकीय फूल है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अभी हमारा जो स्टैटिक डाटा है, जो कौन सा डाटा है हमारा, कि भी कौन से यहाँ पे क्या है, जो बर्ड सेंचुरीज हैं,
डैम्स हैं उन सब के बारे में, वाटरफॉल्स वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, साथ में अगर आप नोट नहीं करोगे तो याद करने में आपको दिक्कत होगी। दिक्कत आपको होगी, हमें नहीं होगी, हम आपको पढ़ा देते हैं। बाद में ये मत कहना कि आपने सर ये पॉइंट छुड़वा दिया था। अगर पॉइंट छुड़वाया है, कुछ पॉइंट बच गया है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको अगले लेक्चर में उसको कवरअप करवा देंगे और आपको करेक्शन उसको दे देंगे। तो अभी यहाँ के देख लेते हैं, जो हमारा सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ का जो रिलीजियस प्लेसेस हैं। ये इसको कह सकते हैं टेम्पल्स हैं। तो टेम्पल्स कौन से हैं? यहाँ पे पहला हमारा है जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वो नहीं है जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के आसपास है। कौन सा? जो पुरी में है वो वाला नहीं है, ये दूसरा टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है जो क्या है झारखंड में। तो इसके साथ साथ हमारा दूसरा टेम्पल है एक पारसनाथ धाम कह लीजिए, इसको टेम्पल कह लीजिए, और एक है हमारा बैद्यनाथ। तो बैद्यनाथ धाम, ये हमारे क्या हो गए? यहाँ के टेम्पल्स हो गए। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट्स कौन से हैं? तो एयरपोर्ट्स, पहला हमारा एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ प्रेजेंट है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हमारा प्रेजेंट है रांची में, जो क्या है यहाँ की कैपिटल है। सेकंड हमारा कौन सा है? सेकंड हमारा है सोनारी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पे? हमारा जमशेदपुर। तो जमशेदपुर एक जगह है जिसको नाम रखा गया है, जो हमारा जमशेद जी टाटा हैं, उनके नाम पर इसको शहर को नाम रखा गया है, क्योंकि इनको इन्होंने क्या किया था, जमशेदपुर की स्थापना की थी। वहां पे इन्होंने जो टाटा स्टील्स वगैरह के नाम से जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो उन्होंने ओपन की, और उससे क्या है काफी वहां पे विकास हुआ, इससे क्या है उसको नाम को शहर को नाम रख दिया गया था, जमशेदपुर के नाम से उनको रख दिया गया था। तो ये हो गया हमारा एयरपोर्ट्स हो गया। अभी यहाँ का स्टेडियम्स देख लेते हैं, स्टेडियम के बारे में देख लेते हैं कौन सा स्टेडियम है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेडियम है जिसका नाम है, अभी बता देता हूँ आपको मैं, नाम क्या है। आप तब तक क्या कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, और साथ में इसको पॉइंट्स को नोट करते रहिए। पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे, इसमें आपका ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो स्टेडियम यहाँ पे है JMCA इंटरनेशनल स्टेडियम, ये प्रेजेंट है रांची में। तो ये हो गया हमारा JMCA इंटरनेशनल स्टेडियम। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ पे क्या है अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ, और तब तक क्या कर देता हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए, मैं तब तक इसको इंक डाल लेता हूँ हमारी पेन में। तो चलिए अभी जो डैम्स वगैरह हैं वो देख लेते हैं कौन से यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो डैम्स, पहला डैम हमारा यहाँ पे मैथुन डैम, ये प्रेजेंट है बाराकार में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डैम है वो प्रेजेंट है हमारा चंडील डैम। चंडील डैम है सुनार, नरेखा जो रिवर है उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो सुनार नरेखा क्या है यहाँ पे? नीवर रिवर है, इसके ऊपर प्रेजेंट है चंडील डैम हमारा। नेक्स्ट हमारे जो है
पंचेत डैम, कोनार डैम, और लास्ट प्रेजेंट हमारा तेनू घाट डैम। तो ये तीनों प्रेजेंट हमारे कहाँ पे? ये तीनों प्रेजेंट हमारे दामोदर नदी पे। दामोदर रिवर पे प्रेजेंट है तीनों के तीनों। तो क्या क्या हो गए हमारे? मैथोन डैम हो गया बाराकर पे, चंदील डैम हो गया हमारा सोनार, सोनार नहीं है सॉरी, ये मेरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सोनार नहीं सुबेर है ये, तो सुबेर नरेखा प्रेजेंट ये रिवर है, इसके ऊपर प्रेजेंट है चंडील डैम। हमारा जो पंचेत डैम है, कोनार डैम है और तेनुघाट डैम है, ये तीनों प्रेजेंट है हमारे जो दामोदर नदी पे प्रेजेंट है। फिर आप डैम याद कर लीजिए, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है और कई बार इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आपके लिए पूछे जा सकते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, इनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम है ये, आपको कैसे करने हैं कैसे नहीं करते हैं। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमारा जो थर्मल पावर प्लांट्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, उसके ऊपर हम बढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यहाँ पे एक प्रेजेंट है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या है यहाँ पे? सुबेर नरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो इसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं है ये कहाँ होगा, ये हमारा प्रेजेंट है सुबेर नरेखा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? थर्मल पावर प्लांट्स, तो पहला प्रेजेंट हमारा बोकारो थर्मल पावर प्लांट, ये प्रेजेंट है बोकारो पे, बोकारो ये शहर है यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा जोजो बेरा थर्मल पावर प्लांट, ये हमारा प्रेजेंट है जोजो बेरा में, तो जो नाम है उसी के शहर में के नाम पर के गया है, इनको रखा गया है। नेक्स्ट हमारा डैम कौन सा है? वो थर्मल पावर प्लांट है पतरातू थर्मल पावर प्लांट, ये प्रेजेंट है पतरातू में। और कोदेरमा थर्मल पावर प्लांट, ये प्रेजेंट है हमारा कोदेरमा में। तो ये हो गए हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, हो गए थर्मल पावर प्लांट हो गए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है यहाँ पे प्रेजेंट है? सुबेर नरेखा थर्मल, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे है बोकारो थर्मल पावर प्लांट बोकारो में, जोजो बेरा थर्मल पावर प्लांट जोजो बेरा में, जो हमारा पतरातू थर्मल पावर प्लांट है पतरातू में, और कोदेर जो कोदेरामा है कोदेरामा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? कोदेरामा जगह है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आप नोट कर लीजिए, थर्मल पावर प्लांट हो गए हमारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। अभी यहाँ पे क्या क्या बच गए हमारे? जो हमारा वाटरफॉल्स बच गए, उसके साथ साथ जो हमारे क्या बच गए, जो टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वो हमारी बच गई हैं। तो ये नोट कर लीजिए, मैं अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ इरेज कर देता हूँ। तो चलिए अभी हमारा जो वाटरफॉल्स है उसको देख लेते हैं। तो वाटरफॉल्स कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे? हुंदरू फॉल्स, राज रप्पा वाटरफॉल्स कह लीजिए, फॉल्स कह लीजिए इसको। इसके साथ साथ जो हमारा कौन सा है? हमारा है लोअर घाघरी फॉल्स, और लास्ट हमारा बच गया है, लास्ट हमारा कौन सा है? लोध फॉल्स।
तो हुंद्रू फॉल्स, राजरप्पा फॉल्स, लोअर घाघरी फॉल्स, उसके साथ साथ जो हमारा क्या है लोध फॉल्स ही हमारे प्रेजेंट हैं। तो अभी अभी हमारा जो डांस फॉर्म्स है वो देख लेते हैं। डांस फॉर्म्स के बाद हमारे टाइगर रिजर्व्स वगैरह रह जाएंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ साथ आपको याद रहने में आसानी होगी। तो अभी हमारा बढ़ते हैं हमारा डांस फॉर्म की तरफ। तो डांस फॉर्म्स यानी कि लोक नृत्य। तो यहाँ पे पहला कौन सा है? जाट, जट जटिन, ये हमारा प्रेजेंट है। इसके साथ साथ हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे विदेशिया, और इसके साथ साथ हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे छन्नू, कर्मा, सराहुल, सोहराई, और लास्ट हमारा कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे? लास्ट हमारा है दंगा। तो ये हो गए हमारे जट जटिन, विदेशिया, छन्नू, कर्मा, सराहुल, सोहराई और दंगा। ये हमारे क्या है यहाँ के डांस फॉर्म्स हैं। यहाँ का टाइगर रिजर्व देख लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं हमारा नेशनल पार्क्स। तो टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे एक वाइल्ड जो नेशनल पार्क भी यहाँ पे एक प्रेजेंट है। बेल्टा नेशनल पार्क। तो ये हो गया हमारा टाइगर रिजर्व, हो गया पलामू टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क कौन सा है हमारा? बेल्टा नेशनल पार्क है। अभी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर बढ़ते हैं। मैं ये डांस फॉर्म्स वाला इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लास्ट टॉपिक हमारा वो बच गया है, उसके बाद हम आज का जो स्टैटिक जीके का डाटा है वो हम खत्म करते हैं। इसका जो झारखंड स्टेट है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी यहाँ पे प्रेजेंट है? पहली, सबसे पहली है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ साथ कौन सी प्रेजेंट है यहाँ पे? तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोदारम्मा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके नाम पे आपको क्या है, थर्मल पावर प्लांट भी देखने को मिला था यहाँ पे। इसके साथ साथ हमारा जो कौन सा है, लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और हमारी लास्ट हमारी बच गई है, इसका नाम क्या है? महुआ दानर वोल्फ। तो ये स्पेशल लोमड़ी के लिए है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये होगी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तोपचंची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोदारम्मा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महुआ दानर जो वोल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। टाइगर रिजर्व कौन से थे यहाँ पे? यहाँ पे टाइगर रिजर्व था पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी पलामाऊ टाइगर रिजर्व, और इसके साथ साथ जो नेशनल पार्क कौन सा है हमारा? बेल्टा नेशनल पार्क है। तो ये हमारा हो गया स्टैटिक जीके किसका, झारखंड का हो गया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट है हमारा लेक्चर होगा मंडे को, उसमें हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके के बारे में। तो हरियाणा जीके का मैंने एक इंट्रोडक्शन हमारा थोड़ा सा करवा दिया था, उसके साथ साथ जो हमारा अगला पॉइंट होगा हमारा हरियाणा जीके का, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारा मंडे वाले लेक्चर में। और इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट जो होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट थर्सडे होगा 1 वीक बाद, उसके हम थर्सडे पढ़ने वाले हैं हमारा कौन सा जो छत्तीसगढ़ है, इसके कौन से कहाँ पड़ता है आपको ये बताना, आपको पॉइंट कमेंट करके बताइए। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था छत्तीसगढ़ कौन सी साइड पड़ता है हमारा झारखंड के, तो ये आपको बताना है, उसके ऊपर हम अगला लेक्चर हमारा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, हमारी वीडियो को जो हमारी नोटिफिकेशन है उसको सबसे पहले आप पाने के लिए। तो इसको वीडियो को जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। थैंक
थैंक यू वेरी मच।